सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको घर में सिंघाड़े उगाने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो मैंने कुछ प्लांट लाए हुए हैं और इनको ही मैं ग्रो करके आपको दिखाने वाला हूं। और कुछ दिन बाद मैं जल्द ही आपको ये लोटस के प्लांट को ग्रो करने का भी प्रोसेस का वीडियो देने वाला हूँ। तो चलिए हम सिंघाड़े के प्लांट को ग्रो करने का प्रोसेस सीखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंघाड़े के लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करते हैं, इनको किस तरह के पॉट में लगाते हैं और साथ ही साथ इनके फ्रूट आने तक का अपडेट भी आपको मैं दूंगा। तो इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे इनकी रूट्स हैं, बहुत सारी नई नई ब्रांचेस भी ग्रो होती हैं। तो इनकी ये जो लीव्स होती हैं इनमें आप देख सकते हैं गोल गोल कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके सहारे इनकी जो लीव्स हैं, इसका जो प्लांट है पूरा तैरता रहता है। तो इसीलिए इस प्लांट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब मैं आपको इनको ग्रो करने का प्रोसेस बताता हूँ और इनके लिए जो सॉइल मिक्स है हमें कैसे तैयार करना है वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सिंघाड़े के प्लांट को ग्रो करने के लिए मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का टब लिया है। आप देख सकते हैं ये 100 से 120 रुपए का टब मिल जाता है। और ये देख सकते हैं मैंने गोबर की खाद ली है, बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज होना चाहिए गोबर की खाद। तो आप जो भी टब ले रहे हैं उसमें आपको एक पतली सी लेयर गोबर की खाद की बना लेनी है, उसमें किसी भी तरह के ईंटे पत्थर नहीं होने चाहिए ताकि हमारा जो प्लांट है अच्छे से ग्रो कर सके। और एक लेयर गोबर की खाद की लेने के बाद आपको लेना है नीम की खली। नीम की खली आपको लगभग 1 से 2 मुट्ठी लेना है, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। नीम की खली का यूज़ करने से इंसेक्ट हमारे मिट्टी में नहीं ग्रो होते हैं और हमारा प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये एक तरह से फर्टिलाइज़र और फंगीसाइड और फंजीसाइड का भी काम करता है। इसे लेने के बाद अब हम बिल्कुल चिकनी मिट्टी लेंगे जिसमें किसी भी तरह के ईंटे पत्थर ना हो, बिल्कुल चिकनी मिट्टी हो। और इससे क्या होगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, रूट्स अच्छे से ग्रो होगा। तो इस तरह से हमें आधे टब तक इसको भर लेना है। तो मिट्टी को भरने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इतना ही पानी डालिए कि जिससे ये कीचड़ जैसा रूप ले ले। तो हमने इसको कीचड़ जैसा बना लिया है ताकि ये एक पॉन्ड का रूप ले सके। और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी जगह बनाएंगे ताकि हम अपने सिंघाड़े के प्लांट की रूट्स के साथ इसमें उसको लगा सकें। तो इस तरह से मैं लंबी लंबी लाइन खींच ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बन जाए और इसमें ही मैं सिंघाड़े के प्लांट को अच्छे से लगा सकूँ। तो हमें कुछ इस तरह से सिंघाड़े के प्लांट को इस दलदली मिट्टी में रखना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें इस तरह से लगा देना है। और ये बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं, तो ये जो जितने भी वाटर वाले प्लांट होते हैं बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगते हैं। तो हमने अपना पहला प्लांट लगा लिया है, इसी तरह हम दूसरे प्लांट को भी इसमें लगा लेंगे। मेरे पास सिंघाड़े के 2 प्लांट हैं और जो सिंघाड़े की जो खेती होती है वो जुलाई अगस्त से शुरू हो जाती है, तो आप सितंबर अक्टूबर तक भी इनके प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये प्लांट तो मुझे गांव से मिल गया था, और अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप इनके जो फ्रूट होते हैं जो पूरी तरह से हार्ड हो चुके होते हैं, छिलके सहित होते हैं, उन फ्रूट को लेके पानी में रख के स्प्राउटिंग करके आप इनको इस तरह से प्लांट तैयार करके ग्रो कर सकते हैं। तो हमने प्लांट को पॉट में लगा दिया है और अब बारी है इसे पॉन्ड का रूप देने का। तो इसके लिए हमने एक पॉलीथीन इसके ऊपर रख दी और अब हम इसके ऊपर रख के पानी भर देंगे ताकि पानी जो है पूरी तरह से टब में भर जाए और एकदम ये पूरी तरह से पॉन्ड जैसा दिखने लगेगा और इसी तरह से इनकी ग्रोथ होने लगेगी। तो ये पॉलीथीन मैंने इसलिए लगाया ताकि मिट्टी इधर उधर ना फैले। इस तरह से आप पानी भर सकते हैं और जब ये पूरी तरह से पानी भर जाएगा तो ये जो हमारा प्लांट है बहुत ही जल्दी ग्रोथ लेने लगेगा। तो हमने टब में पानी भर दिया है और इस टब को हमें डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह यानी खुली जगह पर रखना है ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। 12 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है उसने ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है और उसमें अब फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई है। हमारे 2 प्लांट में से एक ही प्लांट की ग्रोथ हो पाई और एक प्लांट हमारा ख़राब हो चुका है। तो कोई बात नहीं, हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लांट को लगाए आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो सिंघाड़े का प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रहा है और इनकी जो पत्तियां हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। ये पूरे टब को धीरे धीरे करके कवर कर लेगा और इसमें जो फ्रूटिंग है वो भी होने लगी है। तो मैं आपको अभी पास से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा सिंघाड़े का प्लांट है इसमें फ्लावर जो आया था उसने अब फ्रूट भी बनना शुरू कर दिया है।
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा सिंघाड़े का फ्रूट बनना शुरू हो चुका है। और ये जितने भी ब्रांचेस हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे नई नई ब्रांचेस भी डेवलप हो रही हैं। तो इनके जो फ्रूट होते हैं कुछ इस तरह से ग्रो होते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। धीरे धीरे करके इनमें बहुत सारे फ्रूट लग जाएंगे और इनके जो फ्रूट होते हैं पत्तियों के नीचे ही आते हैं और पानी के अंदर रहते हैं। तो जब इस प्लांट पे ढेर सारे बड़े बड़े फ्रूट लग जाएंगे तो मैं फिर से आपको अपडेट दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।